नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। जहां बीते दिन छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के लिए राजीव गांधी योजना की शुरुआत की, तो वहीं अब राजस्थान सरकार ने भी बीती रात किसानों और व्यापारियों को राहत देने के लिए मंडी शुल्क में कटौती का ऐलान किया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने कृषि जिंसों पर लगाए जाने वाले 2% कृषक कल्याण शुल्क को कम करने का फैसला लिया, जिसके चलते विभिन्न कृषि जिंसों पर 2% की जगह 1% या 0.5% शुल्क लगाया जाएगा। जानकारी के अनुसार इस शुल्क का विरोध प्रदेश के कारोबारी शुरुआत से ही करते आ रहे हैं, जिसके कारण ही राज्य सरकार ने बीती रात अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर लिखा कि जिन कृषि जिंसों पर 2% मंडी शुल्क लिया जा रहा है, अब उन पर 2% की जगह 0.5% कृषक कल्याण शुल्क लेने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं जिन जिंसों पर 1% या 1.60% मंडी शुल्क लिया जा रहा है, उन पर भी अब 2% की बजाय 1% मंडी शुल्क ही लिया जाएगा। नए निर्देशों के मुताबिक अब दलहन, तिलहन और अनाज पर 1% कृषक कल्याण शुल्क होगा, जबकि इसबगोल, जीरा, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि पर 0.5% कृषक कल्याण शुल्क लगाया जाएगा। वहीं उनको इस शुल्क से मुक्त रखा गया है। पहले सभी जिंसों पर 2% कृषक कल्याण शुल्क का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा ही किया गया था। कोरोना वायरस के चलते देश भर में हुए लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा बर्बाद इस समय गरीब हुआ है। ऐसे में शहरों को पलायन करने वाले मजदूर अब जैसे तैसे अपने गांव वापस लौट जाना चाहते हैं। तो वहीं कई प्रवासी मजदूरों ने तो ये तक बयान दिया है कि एक बार अपने गांव पहुंच जाएं तो जीते जी कभी वापस शहर नहीं आएंगे। ऐसे में राज्य सरकारें भी इस कोशिश में जुट गई हैं कि किसी तरह वापस गांव लौटते मजदूरों का कृषि क्षेत्र के बिगड़ते हालातों के लिए फायदा उठाया जाए। तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने तो एक नई योजना लागू करने की भी तैयारी कर ली है। इसके तहत कि शहरों से वापस गांव लौटते भूमिहर श्रमिकों को नर्सरी तैयार करने के लिए 1 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा कृषि प्रदर्शनी इकाई स्थापित करने के लिए 50,000 रुपए की सब्सिडी सरकार उपलब्ध कराएगी। इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इस योजना से न सिर्फ उत्तराखंड लौटे भूमिहर श्रमिकों को राहत मिलेगी, बल्कि राज्य में भी बागवानी और खेती बाड़ी को बढ़ावा मिल सकेगा। लॉकडाउन 4 में जहां केंद्र सरकार ने लोगों के लिए काफी सहूलियत दे दी है, तो वहीं राज्य सरकारें भी धीरे धीरे अपने काम की ओर वापस बढ़ रही हैं। ऐसे में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना ने भी बीते दिन 10वीं और 12वीं के साथ ही बैचलर्स की पढ़ाई कर चुके बच्चों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत एग्रीकल्चर फील्ड के अलावा इंजीनियरिंग और मास्टर्स के लिए भी बच्चे www.pau.edu.com पर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही वेबसाइट पर जाकर फीस और कोर्स से संबंधित सभी जानकारियां भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर के फील्ड में पंजाब की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, जिसकी शुरुआत साल 1962 में की गई थी। यहाँ एग्रीकल्चर फील्ड के अलावा कई और कोर्सेज में अंडर ग्रेजुएट डिग्री के साथ मास्टर्स और PhD भी कराई जाती है। तो दोस्तों, आज किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले अगर आपने अभी तक ग्रीन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त ग्रीन टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।